दुख तो होते भारत हारत तो है, मम्मी को बहुत दुख हो जब भारत मैच हारत, कल ही हार जाए हाँ। तो इतना दुख नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान से ना हार पे ज्यादा दुख हो जाए। फिर ले पाकिस्तान से हार पे ज्यादा दुख ये काया सो काया टक्कर है ना, टक्कर है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे। आई होप गाइज आप सभी बढ़िया होंगे। क्या है फूटेगा? गिलास फोड़ दिया, कांच का गिलास था। ऊपर से गिरेगा, कितने से गिरेगा? जो धरी तो सरक गो, गिरा गिलास तो ये टूट गया। आशा राधे राधे। नेहा सुके ताऊ सोस न करियो, ठाकुर जी पार लगा। ठाकुर जी के दर्शन कर लो गाइस आप लोग। आज फर्स्ट सेमीफाइनल है पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का। आप तो आज वीडियो देख रहे हो तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन मैच जीता है। कौन कौन एक्साइटेड था ये कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तो दोनों सेमीफाइनल के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ आज पाकिस्तान जीत जाए और कल भारत जीत जाए और फिर फाइनल हो भारत और पाकिस्तान का। यहाँ पे देखो न्यासा और साधना पता नहीं क्या कर रहे, मटर छील रही है, तो आज बननी है आलू मटर की सब्जी। इस सीजन की ये पहली आलू मटर की सब्जी होगी हमारे यहाँ। न्यासा खा रही है, न्यासा को छील के दे दो, ऐसे नहीं खाएगी। हमारे यहाँ इतनी सी मटर आई है, मतलब ये आधा किलो मटर आई है, और ये मटर है 80 रुपए की आधा किलो, मतलब वही 160 रुपए की एक किलो। तो अभी तो काफी महंगी चल रही है, अभी सीजन आया नहीं है, मतलब धीरे धीरे जब सीजन आ जाएगा ना तो फिर सस्ती हो जाएगी, बट अभी फिलहाल तो बहुत महंगी है। तो यहाँ पे मैं छील रहा हूँ मटर, तो साधना बना रही है ओट्स। ये बन गया हमारा ओट्स, तो इसका करेंगे आज हम ब्रेकफास्ट। नए जमाने के मोड़ी मोड़ा गल लगे, कहूँ ओट्स कहूँ कछू, दरिया जैसे तो धरो है भाई में, बस मसालो मटर मटर डरी। हाँ भाई को ओट्स के सुबैया ओट है जो, साधना के जमाने को है दरिया, हमारे जमाने को है ओट्स। जब भी मैं आया था छत पर, ठंड लग रही थी नीचे, तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा धूप सेकने के लिए चलते हैं छत पर। अंदर रूम में रहते रहते देखो आंखें खुलती नहीं है बिल्कुल मेरी, धूप में तो बिल्कुल भी नहीं खुलती हैं। कमेंट करके बताना किस किस की आंखें ऐसे धूप में बिल्कुल बंद रहती, खुलती ही नहीं हो। आप यहाँ देख सकते हो अंदर देखो कैसे आंखें खुली हैं, और बाहर देखो धूप में वहाँ छत पर गया था ना तो आंखें खुली नहीं थी, ऐसी ऐसी हो रही थी। तो सच बता रहा हूँ मेरी तो धूप में आके खुलती ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो राहुल पता नहीं फोन में क्या देख रहा, क्या देख रहा फोन में? मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड को जीते। अब देखो जो जीत जाए। अरे बता ना, जो अच्छा खेले वो जीते, जो अच्छा खेले वो तो जीते जीते। फिर भी तो को लग रहा को जीते? हाँ मुझे लग रहा पाकिस्तान ही जीते, पाकिस्तान जीते। मुझे लग रहा है कि आज न्यूजीलैंड मैच जीतेगी, तो देखते हैं कौन सही होता है राहुल या मैं। यहाँ पे मम्मी मार रही है मच्छर, क्या मच्छर क्या मार रही? काटा थे, देखो मच्छर मार रहे हैं ये ये। मम्मी कह रही काटा थे मच्छर, मच्छर काटा नहीं फिर क्या करे पूजा। मच्छर के काटने से डेंगू बहुत जल्दी फैल रहा है, और कुछ लोगों की तो डेथ भी हो गई है डेंगू की वजह से। इजी वे में ना ले मच्छर काट ले, तो एक तो कोशिश ये करें कि आपके आसपास मच्छर ना हो, अगर आपको मच्छर काट ले आपकी तबीयत बिगड़े तो तुरंत के तुरंत डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ये बनाया रायता, ये मुरवाए तो बनो है, आज तो मैंने एक ही बार में कह दी मुरवाए तो। ये बन रही है आलू मटर की सब्जी, अपन तो खाने वाले हैं आलू मटर की सब्जी से रोटी। अब यही मटर ही मटर मिलनी है कुछ टाइम बाद, देखना मटर रोज मटर आलू रोज मटर आलू। चलो करते हैं अपना लंच, और साथ ही साथ में देखो यहाँ पे अपन देख रहे हैं मैच। न्यूजीलैंड की पहली बैटिंग है, टॉस जीत कर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की है, तो देखते हैं कितना क्या स्कोर बना पाती है न्यूजीलैंड। तो गाइस इधर हम देख रहे हैं मैच, देखो साधना का चल रहा है लंच, कितने बड़े कटोरे में देखो रायते में रोटी मिल के खा रही। अभी हम जा रहे हैं अपनी कार पे पीछे राधे राधे लिखवाने के लिए, काफी टाइम से मैंने सोच रखा था कि कार पे पीछे राधे राधे लिखवाएंगे। चलो चलते हैं, देखो मैं तो तैयार हूँ, साधना तैयार हो रही है, तो बस फिर निकलते हैं। देखो मम्मी सो रही हैं, हम जा रहे हैं ठीक है कार पे राधे राधे लिखवा के चले जाए। गणपति बब्बा मोरिया, कार को स्टार्ट करते हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं साधना का, इसको खोले बिना मजा ही नहीं आता है, यहाँ से रोशनी आए बस मजा आता है, बहुत ही प्यारा लुक लगता है कार का। चलिए यार ही साधना जल्दी जल्दी, पानी की बोतल भी लेता ही साथ में। आइए जिज्जी स्वागत है आपका। सीट डलने के बाद अगर आज आपको उल्टी आई और बास आई, देखो आते ही साथ बास आने लगी। चलो गाइस चलते हैं, लेट्स गो। तो बताइए साधना जी आपको उल्टी आ रही कि नहीं आ रही? अरे बस तो जहीं की तहीं बस आ रही, जहीं की तहीं बस आ रही। जबकि मैं सच बताऊं तो पहले से काफी फर्क है, जो स्मेल पहले आती थी थोड़ी बहुत
वो पूरी स्मेल चली गई है। ये जब साधना खुद से कार चलाना सीखेगी ना, तब ही जाकर साधना की उल्टी आना बंद होगी और इसको स्मेल आना बंद होगी। क्योंकि पहले मुझे भी सेम यही प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से मैं कार चलाने लगा, मेरा फोकस कार चलाने पे रहा, तो वहां से माइंड हट गया उल्टी से, मतलब जो स्मेल आती थी उल्टी आती थी, तो वहां से दिमाग हट गया, फिर सीधा कार चलाने पे दिमाग रहा। जब साधना कार चलाना सीखेगी तभी जाकर इसकी उल्टी आना ये बंद होगी। पहुंचने वाले हैं जहां से हमको कार के पीछे राधे राधे लिखवाना है। आज हम घर से निकले हैं सिर्फ और सिर्फ राधे राधे लिखवाने के लिए और कुछ भी नहीं। हम लोग आ चुके हैं शॉप पे, तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिजाइन कि किस डिजाइन में हमें राधे राधे लिखवाना है। साधना देख रही है, यहाँ पे भी मुंह बंद करें। देखो तो ये देखो भैया दिखा रहे हैं, तो सिलेक्ट साधना ही करेगी। तो देखो गाइस, एक राधे यहाँ पर और एक राधे यहाँ पर, तो हो गया दोनों मिला के राधे राधे। गाइस हम लोगों ने लिखवा लिया राधे राधे, तो साधना तो देखो बहुत ही ज्यादा खुश है और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। राम सिया राम, सिया राम, राम जय जय राम। साधना ने सीट बेल्ट लगा लिया है। लगा ला इतने से लगाओ जाओ जो। अरे धरो तो रन दो, अरे तो सीट बेल्ट लगाबो नहीं है तो ज्यादा बनी फिर रही है। जब कीने लगाओ तो बार जब और अबे अबे कीने लगाओ तो हमें डरा तो जब अबे बसा रहो। राम सिया राम जय जय राम। लगभग पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है, तो पाकिस्तान तो पहुंच चुका है फाइनल में। अब देखते हैं भारत का कल क्या होता है। तो हम तो पूरी उम्मीद करेंगे कि भारत भी कल मैच जीत जाए और भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच हो। क्या हुआ आज मैच में? पाकिस्तान जीत गई। पाकिस्तान जीत गई, तो गाइस जो राहुल ने कहा था वही हुआ। राहुल बोल रहा था पाकिस्तान जीत जाएगी, जीत गई। और मैंने बोला था न्यूजीलैंड जीतेगी, तो न्यूजीलैंड हार गई। राहुल की बात सही निकली। नेहा सा राधे राधे। रणवीर तुम कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे आज? हम तो पाकिस्तान को। काहे? क्योंकि इंडिया इंग्लैंड से जीत गई। हाँ। तो पाकिस्तान को तो हरा ही देगी ये फाइनल में। है? सही बात है, इसलिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। देख ले मम्मी भी आ गई डेयरी से। काहे मम्मी जो बताओ, आज तो पाकिस्तान जीत गई, कल को जीते इंग्लैंड और भारत में? भारत। भारत हाल बताए कम है उम्मीद है। भारत ने 50-50 है, अबे कछु नहीं कहता जब भारत। अरे एक एक बता ना क्लियर 50-50 का। अरे बता दे कछु नहीं हो रहा। बता जो तू लग रहा। हाँ इंडिया जीते। इंडिया जीते। रणवीर इंडिया। न्यासा इंडिया। हैदा एक रन से जीते इंडिया। मम्मी पाकिस्तान का कप्तान को है? बाबर रावत। बाबर रावत। ले मम्मी को है? है बाबर रामन। बाबर आजम। बाबर आजम। हाँ मैंने किया बाबर रावन। फिर से बाबर रामन। क्या है वो? बाबर आजम। बाबर राजम। राजम लेन दो का कन्ने बाबा को नाम लेके। वैसे भी पापा भी आ गए हैं डेयरी से। पाकिस्तान तो जीत गई, कल को जीते और इंडिया जीतने तो चाहिए, बहुत तो जीतनी चाहिए, लेकिन लग का रहा हूँ जीत से। डर लग रहा हो? डर नहीं लग रहा, जो डर लग रहा हो फाइनल में पहुंचे तो पाकिस्तान से ना हार जाए बस। बस और इंग्लैंड से का हुआ कल? इंग्लैंड से तो जीत की संभावना है, लेकिन हारने हुए तो अभी हार जाए। अच्छा पापा जी कह रहा है हारने है तो अभी हार जाए कल ही सेमीफाइनल में, लेकिन पाकिस्तान से फाइनल में ना हारे। इंडिया की जावा जैसे नहीं कह रहा है, इंडिया 2015 से कहाँ जीती कछु जीती ही नहीं है, सेमीफाइनल में आ गए हारा दो। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव नहीं चले कल, ये मुंह नहीं चले। भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा के तुमको का नहीं कर रहे सपोर्ट? तुम क्रिकेट नहीं देखे ना? मैं देखा क्रिकेट तो मुँह पता है सब देखा। अरे आप तो जो बता जीते को भारत जीते बस ठीक है, जा भाड़ा में जाते जाते। हेलो ओ भाई साहब देखो मैं सामने ही दूध काढ़ रहा हूं। दूध काढ़ा नहीं है, मलाई फट गई। अरे दूध देखो जो देखो कितना दूध काढ़ा देखो। देख अब कौन हल्के से है, नहीं तो पता दूध बगड़ जाता। तो पी लो का आवे हल्के से। नानी पता नानी कहती पी लो से पता होने से पीती वो जितो बैठ जाता। तो हम भी पी लेते हैं, हम भी नहीं से दूध काढ़ा जाते चाहे थे से पी लेते हैं मुला आगे, लेकिन जो काढ़ा तो वो पियत तो ठीक है। अब तुमने काढ़ा तो पी लो जाए शांति से, हल्के नहीं है हरकत है तो भेजी है हल्के ना भाई दूध काट दो सामने से ही। जे सब छोड़ो जो तो कल मैच को जीते इंडिया और इंग्लैंड को मैच है। देखो तुम जे बात है ना करेंगे हमसे और कछु की पूछ लेंगे का है? अब जैसे कछु अंदाजे से बता दो
अंदाजे से भारत जीत जावे दुख तो होते भारत हारत तो है मम्मी को बहुत दुख हो जब भारत मैच हारत कल ही हार जाए हाँ। तो इतना दुख नहीं हुई लेकिन पाकिस्तान से ना हार पे बस ज्यादा दुख होते दुख ये फिर ले पाकिस्तान से हार पे ज्यादा दुख ये काया सो काया टक्कर है ना टक्कर है मैं ऐसा नहीं मानता जैसे मम्मी कह रही है कल ही हार जाए भारत पाकिस्तान से ना हारे बल्कि ऐसा कुछ नहीं है भारत कल मैच जीत जाए और परसों भी मैच जीत जाए परफॉर्मेंस के ऊपर है जो अच्छा खेलेगा वो मैच जीत जाएगा सो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है ठीक है आज मैं दिन भर से सबसे पूछ रहा हूँ कि आज पाकिस्तान तो मैच जीत गई कल भारत का क्या होने वाला है तो आपसे भी मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग सब कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि भारत मैच जीतेगी या हारेगी क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना देखो इनकी दिवाली मान रही कल अब नहीं करो कितना धुआं फैला रही भारत मैच जीती नहीं है पहले ही से जलवा लगा अपनी गाड़ी पे राधे राधे लगवा दो काली तो है कैसे दिखा रहा तुम्हें काली है कैसे दिखा रहा जो का मतलब काली है कैसो कलर है वहाँ पे जो बनवाने वाला अरे कांच पे लगवाओ पीछे लाल कलर से हाँ तुमने कहा सोची गाड़ी पे लगवाने का गाड़ी पे नहीं पीछे लिखवाओ जाओ वो कांच नहीं रहा पीछे को भाई पे साइड में लगवाओ राधे राधे काहे तुम तो देखो कितने मजे से लगी खाए मुझे तो रोटी भी नहीं खाई जा रही बता दो ना कोई जीते कल हमें कहा तो हम का देखा था तुम उन्हें देखा था तुम को कैसी बैटिंग कर रहा को कैसी बॉलिंग कर रहा को कैसो खिलाड़ी है को कैसो अरे यार तुम ये सब नहीं बोलो तुम बता दो तुम इंडिया को जता दो मैं सही कर रहा तुम खड़ाऊ नहीं जाके लड़ूगा बांटे यहाँ पूरे गाँव को सही कल हार जाए तो कम हारा जीतती तो लगी ही रहा खेल में जैसी तुम सोच रहे ऐसी बेसोच रहे हुई है नहीं डर तो लग रहा बहुत ज्यादा जी में दम हुई है जी को चंद्रमा चमक रहा हुई है वो जीत जाए जी की किस्मत में जीत लिखी हुई है जी को शंख बज रहा हो जाए एक्चुअली क्या है कि मैं सच में डरा हुआ हूँ और आप लोग भी बहुत लोग डरे हुए होंगे भारत को लेकर के भारत मैच जीतेगी या हार जाएगी वो इसलिए क्योंकि मतलब कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑलरेडी पहुंच चुकी है तो भारत को पहुंचना बहुत जरूरी है और पहुंचकर वहां जीतना ही बहुत जरूरी है मतलब जरूरी ऐसे है कि यार थोड़े आन बान शान वाली बात है हमारी और हमारी टीम भी मतलब उस लेवल की है कि हाँ वो वर्ल्ड कप जीत सकती है तो इसलिए उम्मीदें ज्यादा है इसलिए हम लोग ज्यादा डरे हुए हैं कि कहीं भारत हार ना जाए वैसे अगर देखा जाए ना तो इंग्लैंड के मुकाबले भारत की टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है बट हम लोग डरे हुए हैं इसलिए हमें डर लग रहा है कहीं हार ना जाए अगर यही कोई ऐसी ओडीआई मैच होता सीरीज वाला तो आराम से ना तो डर होता और भारत आराम से जीत भी जाती जबकि आपको पता होगा इंग्लैंड में ही भारत इंग्लैंड को हरा कर आई थी ओडीआई सीरीज टी20 भी सीरीज और फिर भी हम लोग अभी डरे हुए हैं जबकि ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है एक है वो कल मैच एक और है आखिरी में जीत जाएंगे हाँ तो कौन सा कप जीत जाए विश्व कप कौन सा विश्व कप विश्व कप मम्मी ने तो कप में जहर भर दिया विश्व कप विश्व वर्ल्ड कप हाँ मम्मी कहने विश्व कप देखो मम्मी न्यासा को ऊपर से लेकर आ रही है क्योंकि न्यासा ना जीनो से ऊपर चढ़ गई थी ओ न्यासा तुमने मूछे बना ली जी कहा आ गया मूंगफली खाएंगे अच्छा मूंगफली होरा वाली मूंगफली खाई इनने तो देखो कैसा मुंह बड़ा लो राधे राधे गाइस अब न्यासा अपने घर पे जा रही है न्यासा बाय हाथ से करो बाय बाय देखो तुमसे बाय कर रही हो बाय ठीक है बाय मैं फेसबुक चला रहा था तो फेसबुक पे देखो एक ये पेज है पोस्ट था तो ये मैं पढ़ रहा था तो आप लोग भी पढ़ो हारना है तो कल इंग्लैंड से ही हार जाना कोई गम नहीं सह लेंगे थोड़ा मगर फाइनल में जीत ही एकमात्र विकल्प है ओह माय गॉड सच में मतलब कि ये सबके अंदर यही अभी मम्मी भी इतनी देर से यही बात बोल रही है कि हारना है तो कल ही हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना ये सबके मन में यही चल रहा है कि कल हारना है तो इंग्लैंड से ही हार जाओ अगर फाइनल में आप गए तो फाइनल में सिर्फ और सिर्फ जीतना ही है तो बहुत लोग यही सोच रहे हैं और देखो अभी पोस्ट भी ये वाला देख लिया करते हैं आज के ब्लॉग को खत्म अब कल जो होगा सो देख लेंगे ठीक है कोई बात नहीं हारेगी इंडिया तो भी हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे जीतेगी इंडिया तो सपोर्ट करना ही करना है चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर खुश रहो अपनी फैमिली का ख्याल रखो सभी को राधे राधे हम लोगों ने कार में तो गाइस गार के मुँह से हटा तो लो तो गाइस अभी मैं चला रहा था तो बंद कर लो आवाज को